तो दोस्तों ये है खरखरा जलाशय का फ्रंट व्यू। उस तरफ वो देखो एक दो और उधर एक और तीसरा आइलैंड है, और वो आइलैंड, हाँ ये भी बड़ा आइलैंड है, चार आइलैंड है और बोले तो और आगे भी होगा शायद। बाकी ये सब पूरे किनारे हैं, ये पंप हाउस है, पानी का निकासी होके इस तरफ नीचे जाता है और गांव में बहता है सिंचाई योजना के लिए उस कॉर्नर तक। आगे फिर वो पानी उधर कहीं चले जाता होगा, पता नहीं, आई डोंट नो। मैंने गाड़ी यहाँ खड़ी रखी है, हम उस तरफ से आए, लौटते हम इधर से जाके नीचे आएंगे या उधर जाएंगे। तो ये सीढ़ियों का रास्ता बना हुआ है और उधर जो है कुछ फैमिलीज लोग हैं, गांव वाले इधर भी पिकनिक मना रहे। अब मुझे भी लग रहा है कि हम लोगों ने खाने पीने का सामान काफ़ी कम धरा हुआ है। कोई नहीं, ये पहाड़ से नीचे उतर रहे सीढ़ियों से, और हमारी मैं तो यहाँ बचपन से इस डैम में आने का सोचता था, नाम बहुत सुनता था। स्कूल की तरफ से हमारे लोग बड़े बड़े जो हमारे उस समय के जो सीनियर्स थे, उन लोग को लेके खरखरा जलाशय में आए हैं। तो मोर खरखरा, मोर जिम्मेदारी, स्वच्छ रखना हमारी जवाबदारी। यहाँ पर आते थे सीनियर लोग, हम लोग को कभी मौका नहीं मिला। और मैं इतना देश दुनिया घूमा हूँ पर यहाँ मेरा भी सर्वप्रथम आना हो रहा। तो ये व्लॉग को देखिए, आप लोग इंजॉय कीजिए और पानी का लुत्फ ले लीजिए। यहाँ तो नहीं चल रहा है, धूप आ गया काफ़ी। पीपल का बहुत पुराना वृक्ष है, यहाँ पर आप नहा सकते हो। जब पानी का वेग कम हो तो आप नहा सकते हो यहाँ। अगर आपको तैरने आता है तो ही आप उतरिए, गहराई ज़्यादा तो नहीं होगी। हाँ उधर कई कॉर्नर, यहाँ पे ये पकड़ के नीचे जाने का रास्ता बनाया गया है, स्विमिंग पूल में जैसे होता है इस टाइप का सकते हैं। यहाँ पर खाना पकाया गया होगा कुछ समय पहले भी, यहाँ पर पकड़ा होगा, उन लोग भी ऐसे ही उतारे होंगे। फिर खैर यहाँ से गाड़ी दिख रहा है ना, बस उतना ही काफ़ी है, अपन उसी रास्ते से वापस जाएंगे। हमको उतरना है, गाड़ी को उतार के क्या करना है। वो मेरे को लगता है या तो वो जंगल के रास्ते से आए होंगे। स्वागत करता हूँ आज के ब्लॉग में, और खरखरा जब पर यहाँ सनसेट तक रुकेंगे तो फिर रात हो जाएगा घर पहुँचते में। चलिए अभी थोड़ा सा पर्सनल पीस है। ये बढ़िया नज़ारा देख सकते हो दोस्तों, पानी डैम का उस तरफ है और पर यहाँ बहता हुआ पानी वहाँ भी रोका गया है। डैम के आगे नहीं जा रहा है, यहीं पर छल छला रहा है। यहाँ पर कुछ फैमिलीज हैं, खाना पका रहे हैं। यहाँ पीपल का झाड़ है, बहुत पुराना झाड़ है, और हमारे सीनियर ग्रुप लोग पिकनिक वगैरह आए हैं स्कूल के समय से। मेरा ये पहला मौका अपने परिवार के साथ मिला हमें जाने का इतने वर्षों में। देश दुनिया देख लिए पर अपने ज़िले के आसपास के ज़िले के एरिया अभी धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू किया हमने, और उस तरफ से भी शायद रास्ता बनता है। और नहीं तो ये पहाड़ी से ऊपर उतार के आप गाड़ी उधर से ला सकते हो आई गेस। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको यहीं पर पानी का जो एरिया है जहाँ पर बीच पॉइंट जैसे हैं, जहाँ से टापू वगैरह दिखता है आइलैंड, उस पॉइंट में फिर जाएंगे अपन। वहाँ से फिर गाड़ी घुमा के जंगल के रास्ते से जो आए हैं वहाँ से। आते वक्त हमने वो कैप्चर नहीं किया, ख़राब रास्ता था, जाते समय भी चढ़ाव है थोड़ा, पर कर लेंगे कैप्चर और फिर मेन रोड पर उनको आगे में बचते हैं। चलिए गर्मी हो रही है बहुत, अब थोड़ा पीस ऑफ टाइम यहाँ पर ही करते हैं। पिकनिक के नाम पर हमारे पास कुछ खाने की सामान है, उसको खाते हैं, एक डेढ़ घंटा रेस्ट लेते हैं, फिर चलते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के साथ करते रहिए दोस्तों। अरे ओ पिल्लू, तू मेरे बगल में क्यों आ गया खिल्लू? तू बस मेरे वीडियो में आ रहा है, तेरे को कुछ खाने, अरे तेरे को कुछ मिला भी क्या खाने का पिल्लू राम? तोर पेट भोल दे, आमड़ा खाली पेट रह जाए वो। ठीक है थोड़ा सा दे देंगे, चिंता नहीं। प्यारा पिल्लू, बिना बुलाए आ गया पिल्लू राम। तुम्हारे की बाड़ी नहीं जाबो, तुम्हारे माँ बाप एखने से आमादेर के कामड़ ये काट खाएंगे हमको। ये छोटो पिल्लू देर के निये मैंने परिष्कार रखो ना, ये बयस तक तोरा परिष्कार थाके सब समय। पानी का सरसराहट देख सकते हो आप, इस तरफ आप नहाने के लिए उतर सकते हैं, नीचे जब पानी का यहाँ पर वेग कम रहता है। अभी तो पानी वहाँ थोड़ा थोड़ा पास हो रहा है और मैक्सिमम इधर ही वापस आ जा रहा है। सलसलाहट देख सकते हो आप, ये स्विमिंग पूल जैसे ऐसा रहता है, इसको पकड़ के आप नीचे उतर सकते हो नहाने के लिए। और वहाँ एक झोपड़ी बना हुआ, पता नहीं शायद कोई रहता नहीं है, देख के तो लग नहीं कि इसमें आए हैं लोग फैमिली वाले। हम लोग इस सीढ़ी से वापस ऊपर करेंगे, गाड़ी लेंगे और देखते हैं वहाँ से उतार के ला सकते हैं तो लाएंगे। हमें तो फिर जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते से जाएंगे आगे।
भूख लग रही है, पर अभी खाना थोड़ा बचा के चल रहे हैं। अगर बाद में देर तक रुकेंगे तो और उन्हें देखा नहीं, हम जिस हाईवे से आ रहे थे छोटे छोटे बस वही चिप्स कॉर्नर ही दिखे और चाय वाय वाले थे बस। तो चलिए वीडियो यहाँ पर भी थोड़ा सा स्टॉप लेता हूँ, इल्लू राम जाने का नाम नहीं ले रहा है, अब अपने को खाना स्टार्ट करें ख़त्म करना पड़ेगा, मैं कहीं और जाके स्टार्ट करेंगे। चलिए बढ़िया है, यहाँ पर भी धूप तो उतना नहीं है पर फिर भी आ रहा है धूप। हम थोड़ा अच्छे छाव छायेदार जगहों में जाके वहाँ पर अपना पिकनिक मनाएंगे। बैठ गया, मैं चाहता हूँ थोड़ा पानी के धार से दूर उस धार की तरफ जहाँ पर पुलिया बना हुआ है बढ़िया से। गाड़ी की चिंता करेंगे तो फिर अपन घूमने का मज़ा नहीं ले सकते हैं। गाड़ी मेरे पीछे ही अपनी जगह यथा संभव यथा जो स्थान में, यहाँ पूरा जंगल का पूरा रास्ता है मेरे पीछे में उस तरफ, वो एक और पिल्ला आगे पीछे से दौड़ते हुए, पानी मेरे पीछे, वहाँ पर अपन देखते हैं। यहाँ पर तक पानी काफ़ी लबलब आ रहा है, भरा हुआ है और मेरे पीछे वो उधर पे जंगल वंगल है पूरा एकदम उस तरफ में, और ये पीछे मेरे डैम का बना हुआ दीवार मिट्टी से पहाड़ी के रूप में, और वो सामने का नज़ारा आपको मैं दिखाता हूँ। और इस तरफ भी ये नहर योजना के अंतर्गत उधर दूर गांव तक गई हुई है पानी वगैरह। अरे वो देखो मेरे गाड़ी तक पहुंच गया पिल्ले को भगाते हुए। ये पानी का नज़ारा देखते हो तो आ रहा है, और यहाँ से भी एक नहर बहते जा रहा है, अपने को ज़्यादा ज़रूरत नहीं चढ़ने की, आपको बस जितने में दिखा सकते दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पत्थर भी पत्थर फेंके गए चट्टान के टुकड़े, यहाँ पर आप वहाँ से भी पानी रोक सकते हैं गेट को गिरा के। तो अपन वापस ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ ये पिल्ले विल्ले लोग के रहते हैं, हम लोग खाना पीना नहीं कर पाएंगे ठीक से, और गाड़ी के वहाँ भी कोई कोई जाके बैठ गया है, वहाँ तक चल देंगे। तो ये पानी का बढ़िया नज़ारा है, टुकटुक को अच्छा लगा जगह? हाँ, तो पानी पानी मतलब अच्छा लगता है एटलीस्ट सर्दी के दिनों में। समोसा के लिए वो मेन हाईवे में भी खोजना पड़ेगा, वो हाईवे रोड में जाके तक अभी मैं गाड़ी में सोएंगे नहीं, हम लोग वापस उधर जाएंगे जहाँ पर लोग पिकनिक मना रहे थे, उधर ही अपन खाना वाना खाएंगे। धूप तो इधर भी है, छाँव है, पर ये पिल्ला विल्ला आ जा रहे हैं और हमारा खाना उसको करने के लिए आदमी को कुछ मिल नहीं रहा, इसीलिए वो टाइम पास भगा रहा है। और मैं एक्चुअली
वहाँ पर लोग एक्चुअली खाना बना रहे हैं और उनके बाकी सदस्य ऊपर चढ़े हैं। वो देख उधर से चढ़ के अपन गाड़ी वहाँ से यहाँ उतार सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है, हमको शांत जगह चाहिए खाना वाना खाने के लिए जाने के लिए। तो वहाँ जाके हम खाना वाना खाएंगे, ज़्यादा कुछ तो नहीं, ये दो पोटली में ही है, वेज सैंडविच बना हुआ बस, और एक्स्ट्रा में खीरा वगैरह रखा हुआ। तो चलो दोस्तों गाड़ी की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं, हम वापस आना है तो ऊपर चलते हैं। एरा जे इससे एरा एखो बनाच्छे खावार, ओखने काटा छाटा करछे, और उधर फीमेल मेम्बर्स लोग गाड़ी नीचे से भी आ सकते हैं। तो चलो डोंगरगढ़ माता की तरह यहाँ भी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ो, 50-100 सीढ़ियाँ इतने में ही हैं काफ़ी। और ये मेरे पीछे का दृश्य देख लो, बाय बाय खरखरा नीचे की तरफ गेट बंद है, जितना भी खुला है गेट वाले हिस्से में, उधर से भी पानी रिलीज की जाती है पर उधर रुका हुआ पानी, और इस तरफ इसके ठीक नीचे से बहता हुआ पानी रिलीज हो रहा है, और उस तरफ पानी शिवनाथ नदी से ही जुड़ा है, तभी तो कह के आ रहा है, नहीं तो अगर गांव में निरंतर सप्लाई होगा तो ये पानी तो खाली हो जाएगा। तो ये चरवाहा है, अब इधर एक फ़ोटो ले लेते बढ़िया सा, खड़ी सीढ़ी चढ़ाई, गांव वाले आ रहे जा रहे, भेड़ बकरी चरा रहे हैं एक जन, चलो एक बढ़िया फ़ोटो लेते। यहाँ लोग उतरते पर नहीं उतरेंगे, निषेध रहता है, उनकी गाड़ी नीचे से भी आ सकते हैं। तो चलो डोंगरगढ़ माता की तरह यहाँ भी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ो, 50-100 सीढ़ियाँ इतने में ही हैं काफ़ी। और ये मेरे पीछे का दृश्य देख लो, बाय बाय खरखरा नीचे की तरफ गेट बंद है, जितना भी खुला है गेट वाले हिस्से में, उधर से भी पानी रिलीज की जाती है पर उधर रुका हुआ पानी, और इस तरफ इसके ठीक नीचे से बहता हुआ पानी रिलीज हो रहा है, और उस तरफ पानी शिवनाथ नदी से ही जुड़ा है, तभी तो कह के आ रहा है, नहीं तो अगर गांव में निरंतर सप्लाई होगा तो ये पानी तो खाली हो जाएगा। तो ये चरवाहा है, अब इधर एक फ़ोटो ले लेते बढ़िया सा, खड़ी सीढ़ी चढ़ाई, गांव वाले आ रहे जा रहे, भेड़ बकरी चरा रहे हैं एक जन, चलो एक बढ़िया फ़ोटो लेते। यहाँ लोग उतरते पर नहीं उतरेंगे, निषेध रहता है। बोल दिए और ये के अनुरोध में जा रहे हैं।